अब देखो क्या आ रहा है। वाइल ड्रैगिंग और लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ओके ये सही है। वाइल ड्रैगिंग और लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट नेगेटिव वर्क इज डन बाय, चलो बताओ। देखो इसमें क्लियर कट दो दो चीज पूछ रहा है उसने। वाइल ड्रैगिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को जब ड्रैग कर रहे हो तो नेगेटिव वर्क इज डन बाय व्हाट? ओके दूसरे साइड में कौन सी फोर्स लगी थी पता है ना? एक ऑब्जेक्ट को इधर ड्रैग कर रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी अपोजिट में, राइट? तो नेगेटिव फोर्स इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ओके और जब एक ऑब्जेक्ट को तुम लिफ्ट कर रहे हो, राइट, तो नेगेटिव फोर्स कौन लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके नेगेटिव वर्क विल बी डन बाय ग्रेविटेशनल, समझ गया किसके अपोजिट में कौन है? सो आंसर क्या आएगा? वाइल ड्रैगिंग और लिफ्टिंग नेगेटिव वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, 2 एंड 3। ओके फिर नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है इसमें से चूज करना है कौन सा वाला ऑप्शन वापस से क्लियर है, ठीक है तो चलो चेक करते हैं। ओके पढ़ो देखो क्या लिखे है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस विद प्रॉपर अल्टरनेटिव। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज लीस्ट, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कब? जब तुम चेयर पे बैठे हो, जब तुम ग्राउंड पे बैठे हो, ओके चेयर पे बैठे हो, ओके या ग्राउंड पे बैठे हो, ओके या ग्राउंड पे खड़े हो या ग्राउंड पे लेटे हो, राइट? ओके तो क्या आएगा? देखो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन हाइट, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट, राइट? ठीक है सो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, एक्चुअली हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो सबसे लोवेस्ट क्या रहेगा? देखो ये जो है ये ज्यादा हाइट पे है बोला पड़ा, तो ये थोड़ा नीचे है, ये और नीचे है, सबसे नीचे, सो ये वाला राइट लिस्ट बोला था ना, सो व्हाइल स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, ऑप्शन नंबर 3। ओके नेक्स्ट वाला देखते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली, ओके टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड द ग्राउंड क्या होगा? ठीक है बढ़ेगा, सेम रहेगा? ओके पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा। टोटल एनर्जी मतलब मालूम है क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब ये देखो, एक ऑब्जेक्ट अगर नीचे, एक ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है, राइट, तो सबसे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने वाला है और काइनेटिक एनर्जी होने वाला है 0। ध्यान से सुनो, ओके एट अ सर्टन हाइट पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा और काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। क्यों काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और वेलोसिटी तो 0 है, तुमने ऊपर से पकड़े रखोगे तो वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी ना, राइट? ठीक है सो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई 0। देन उसके बाद जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, ठीक है जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो क्या होगा बताए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन होगा, उसको एक्सेलरेशन मिलेगा। जब उसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कम बिकॉज हाइट हो गई कम। और जब वो जमीन पर आ जाएगा ग्राउंड पे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 और काइनेटिक एनर्जी कुछ तो होगी, राइट? सबसे टॉप में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, सबसे नीचे सॉरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, सबसे नीचे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और बीच में कुछ हो सकता है कि थोड़ा ये बढ़ रहा है थोड़ा वो बढ़ रहा है जो भी, ठीक है। तो सबसे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, सबसे नीचे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ओके। और एक बार रुक गया तो ग्राउंड से हाइट कितना है? 0। सो पोटेंशियल एनर्जी तो डिपेंड्स ऑन हाइट, दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी 0। सो जब टोटल एनर्जी करोगे, टोटल एनर्जी मतलब क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी म्हणजे काय? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। सो ऊपर जितना टोटल एनर्जी रहा नीचे भी उतना ही टोटल एनर्जी रहेगा, टोटल एनर्जी नहीं होगा ना, कम होगा ना ज्यादा होगा। पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज। व्हाई अनचेंज? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला चलो सी, इफ यू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार मूविंग ऑन अ फ्लैट सरफेस, तो बहुत इंटरेस्टिंग है इसको, जब मैंने फर्स्ट पढ़ा था मैं कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली। ओके इफ वी इंक्रीज
वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ फ्लैट सरफेस, तो एक फ्लैट सरफेस है। ओके और मेरे पास आए राइट, ठीक है। सो अब ओके ये कार इस डायरेक्शन में चल रही, इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार, अगर हम लोग ने वेलोसिटी बढ़ा दिया राइट, ठीक है, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। सो चलो इसका इनिशियल वेलोसिटी था u, तो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा 4 टाइम्स u, 4 गुना बढ़ा दिया, तो क्या होगा बताओ, इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ चेंज आएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। चलो मेरे को एक बच्चे ने आंसर देना शुरू भी कर दिया अभी। देखो पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड रहता है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट, ओके इट डिपेंड्स ऑन हाइट, ओके आई एम चेंजिंग द हाइट, नो राइट, ओके आई एम नॉट चेंजिंग द हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी विल चेंज, ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी विल चेंज, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी का होता तो वहां पे आता कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है, ये हुआ वो हुआ व्हाटएवर, बट पोटेंशियल एनर्जी पूछा था सो विल नॉट चेंज, ओके काइनेटिक एनर्जी विल चेंज, पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लो अच्छे से, ओके स्क्रीनशॉट ले लो ये सब का चाहिए तो, ओके देन नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। ओके वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, तो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला याद है ना, ओरिजिनल जनरल फॉर्मूला ऑफ डन क्या है, एफ कॉस थीटा, ओके व्हाट इज एफ, एफ इज फोर्स अप्लाइड, व्हाट इज एस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर सीधा चल रहे तो, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल, ओके इट्स एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ओके सब बताओ कि कौन सा ऐसा चीज है जो इस फॉर्मूले में नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है राइट, सो वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी। ये सब कुछ समझ गया अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पक्का समझ गया मस्त एकदम, यस ठीक है। सो चलो अभी हम लोग को नोटबुक लगेगा भाई, नोटबुक लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़ा बहुत, ओके सो गेट रेडी विद योर नोटबुक और कुछ लिखने के लिए रेडी रखो, हो गया तो डन करो हम लोग शुरू करें। सो रेडी द नोटबुक, दो लेसन के फॉर्मूले का बाइंड है, ठीक है। सो कौन कौन सा फॉर्मूला मेरे पास है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, रिमेंबर व्हाट इज एच इज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ तुम समझेगा बाद में, ओके व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ओके वी इज अभी का वेलोसिटी, वी इज अभी का वेलोसिटी, ठीक है। सो अगर सपोज कोई तुमको बोलता है दैट एन ऑब्जेक्ट इज जस्ट स्टार्टिंग, ओके सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट स्टार्टिंग, ओके व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट स्टार्टिंग, ओके तो उस टाइम पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्ट वाला, विल बी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, जस्ट स्टार्टेड नॉट एट रेस्ट, ओके ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ एम यू स्क्वायर, यू की जगह पे जीरो तो जीरो, ठीक है ओके। सो क्वेश्चन देख के हमको समझने क्या लेना है, ओके इनिशियल मतलब हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल मतलब अभी चल रहा है, ओके दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनल और करंट है ना, अभी जो चल रहा है वो फाइनल या करंट आएगा तो हम लोग हाफ एम यू स्क्वायर लिखेंगे, ओके सो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का और एक फंडा है, ओके सपोज एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द स्पीड, ठीक है ओके ये देखो स्पेशल कंडीशन है, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट ओके ऑफ मास एम एंड इनिशियल वेलोसिटी यू एंड बिकॉज ऑफ सम फोर्स मास तो एम ही रहेगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस टू वी, ओके नाउ मेरे को बताओ दैट इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी व्हाट, हाफ एम यू स्क्वायर राइट, एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर राइट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर। सो अब अगर तुमको कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है देन हाउ मच वर्क इज डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी, ओके वर्क डन इस क्वेश्चन का वर्क डन इंक्रीज द वेलोसिटी, वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी विल बी व्हाट, विल बी डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है,
कितना वर्क कर रहा है वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए इज इक्वल टू डिफरेंस इन वेलोसिटी, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी. ओके सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमको करना पड़ेगा. तो जो भी आएगा वो रहेगा तुम्हारा वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी. और क्यों ऐसा आया वो भी मैं बताऊं. देखो वर्क डन का मतलब क्या होता है, जितना एनर्जी लगाओगे उतना ही तो वर्क करोगे, उतनी एनर्जी एनर्जी इज नथिंग नथिंग डिफरेंट राइट. ठीक है तो इस समय पे सोचो तुम कितना वर्क कर रहे थे इतना. ओके तुमने फोर्स लगाया तो कितना वर्क कर रहे थे इतना राइट. ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए कितना वर्क लगेगा. तो इन दोनों का डिफरेंस निकाले हम लोग. ओके अभी जो वर्क चल रहा है माइनस थोड़ी देर पहले जो वर्क यहाँ पे उसको वर्क चल रहा है और फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल वर्क हुआ इसकी वजह से नया वर्क बन गया राइट. ठीक है सो नया पुराना लगेंगे तो ये भी जाएगा ना वर्क डन टू इंक्रीज, वही वाला कांसेप्ट है. ओके वर्क टू इंक्रीज द वेलोसिटी क्या होगा. ओके फाइनल वर्क में से इनिशियल वर्क माइनस करो, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल माइनस करो, वो जो विषय का काइनेटिक एनर्जी लेगा ना वही तो डिफरेंस होगा वर्क में राइट. ठीक है सो ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ले लिया ना. यस ओके और क्या फॉर्मूला लगेगा मेरे को यहां पे, मेरे को याद रखो ये भी लगने वाला है फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए. ओके फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये भी फॉर्मूला हम लोग यहां पे यूज करेंगे, मतलब क्या करते हैं. ठीक है ये हो गया. ठीक है और याद रखना है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड के ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर. ठीक है डन. सो ये सब हो गया, अब हम लोग करेंगे सॉल्व. सो एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ वो थोड़ा सा ट्रिकी है. ठीक है सो क्वेश्चन है ये को दैट देयर इज इलेक्ट्रिक पंप. ठीक है इलेक्ट्रिक पंप का पावर दिया है. अच्छा पावर मतलब है ना पावर का भी फॉर्मूला था मेरे पास, पावर इज इक्वल टू क्या वर्क अपॉन टाइम है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए बी यू करना है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम मतलब क्या एनर्जी अपॉन टाइम है ना. ओके और पावर रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिए थे, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसके लिए अभी हम लोग ले रहे हैं इसको. ठीक है सो चलो एक इलेक्ट्रिक पंप है उसका पावर दिया है, सो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक पंप दिया है 2 किलोवाट. ओके हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट, टाइम इज इक्वल टू दिया है 1 मिनट और हाइट दिया है 10 मीटर्स. क्वेश्चन पूछा है हाउ मच वाटर वाटर विल द पंप लिफ्ट. ओके हाउ मच वाटर मतलब क्या बोलते हैं मास ऑफ वाटर. ठीक है हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट. ठीक है ओके सो ये है गेम. अब बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा हम लोग, और सबसे पहले तो देखो कि क्या ये एनर्जी कंज्यूम्ड वाला क्वेश्चन है, एनर्जी कंज्यूम्ड वाला क्वेश्चन है क्या ये. नहीं अगर एनर्जी कंज्यूम्ड वाला क्वेश्चन नहीं है तो पावर तो हमको वाट में चाहिए, किलोवाट में नहीं चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर दैट ओके ओनली फॉर एनर्जी कंज्यूम क्वेश्चन. ओके ओनली फॉर एनर्जी कंज्यूम क्वेश्चन वी नीड पावर इन किलोवाट. ओके ओनली फॉर एनर्जी कंज्यूम क्वेश्चन वी नीड पावर इन किलोवाट, अदर टाइम्स वी नीड देम इन वाट. ठीक है एंड ओनली फॉर एनर्जी कंज्यूम क्वेश्चन वी नीड टाइम इन आर. ओके ठीक है एनर्जी कंज्यूम्ड क्वेश्चन के एनर्जी कंज्यूम क्वेश्चन जो रहेगा तो पावर किलोवाट में चाहिए और टाइम आर में चाहिए, इसको छोड़ते हमेशा टाइम जो है सेकेंड्स में चाहिए और पावर जो है वाट में चाहिए. सो ये 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट मतलब कितना वाट होता है, 2 × 1000 वाट राइट. सो 2000 वाट. ओके और ये देखो ये मिनट है यहाँ पे मतलब सिटी सेकेंड्स. ओके हाँ तो मीटर में चाहिए. ओके सो अब मेरे को क्या करना है कि एक पंप है राइट एंड कुछ तो मास को उठा है ऊपर. ठीक है 60 सेकेंड्स में. ओके हाइट दिया है 10 मीटर और पावर भी दिया है. ठीक है सो मास मेरे को फाइंड करना है, तो पावर का क्या फॉर्मूला है मेरे को बता. पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. ओके टाइम में दिया है, हाँ दिया है ना टाइम राइट, बट वर्क दिया है क्या नहीं. सो फिर मैं वर्क का फॉर्मूला यूज करता हूँ एफ एस अपॉन टाइम राइट. ठीक है मेरे को डिस्प्लेसमेंट दिया क्या, हाँ हाई डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर तक ऊपर उठाना है, बट क्या मेरे को फोर्स दिया है नहीं. ओके सो अब दो ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाना है राइट, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाना है तो ए के जगह पे क्या आएगा जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हम लोग ने पहले भी किया था, अगर नहीं याद आ रहा है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया रहेगा, देखो लास्ट वाला सेशन में हमने किया है ना, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेके जाओ या ऊपर से नीचे लेके आओ उस टाइम पे ए की जगह पे क्या आता है जी
राइट, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेके आओ तो एक ही जगह पे नेगेटिव जी आता है, बट यहाँ पे हम लोग पावर यूज कर रहे हैं ना, पावर इज नेवर नेगेटिव, सो वी डोंट केयर। ओके, सो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एम इंटू ए इंटू एस और ये टी। ओके, अब देखो सारा का सारा चीज क्या क्या मिला मेरे को। ओके, मेरे पास ए है, मेरे पास एस है, मेरे पास टी है, मेरे पास पी है। ओके, और एम मेरे को ढूंढना है। फैंटास्टिक, सो पावर इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस अपॉन टी। ओके, सो पावर की जगह पे क्या आएगा, आप पावर की जगह पे 2000 वाट्स, एम की जगह पे एम, ए की जगह पे 9.8, एस की जगह पे हाइट मतलब पेन, और टी की जगह पे 60। परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाट लिखने का जरूरत नहीं है ना, ठीक है, नहीं तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू फाइंड कर लेंगे, पब्लिक बहुत स्मार्ट है अपने इधर, ठीक है। सो अब ये 9.8 और 10, ओके, ये 9.8 और 10 तो डेसिमल निकल जाएगा, ठीक है। सो एम इक्वल टू क्या आएगा बताओ, इसके बाद एम इक्वल टू 2000 इंटू 60 अपॉन 98, क्या मैंने सही किया है, देख लो राइट। ठीक है, अब डिवाइड करो, डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे बताओ भैया, टू से कट करो क्या, चलो टू से कट करते हैं, टू दीजा सिक्स, टू थ्री सिक्स, टू फोर नाइन, टू नाइन एटीन। अब क्या करना है, अब तो 49 तो है प्राइम नंबर, नहीं 7 से जाएगा, राइट, सॉरी 7 से जाएगा, बट ऊपर 7 का कोई भी डिवीजन वाला कंसेप्ट नहीं है, तो क्या करना है बोलो, डिवाइड करना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं अपने पास। ओके, 6000 डिवाइड बाय 49 हमको करना पड़ेगा, 6000 डिवाइड बाय 49 हमको करना ही पड़ेगा। ओके, सो 6000 डिवाइड बाय 49 करो, करके देखो कितना आता है, सबको कितना आया, एक जन को मिल गया आंसर और किसको मिला, हाँ प्रणव तुमको मिल गया, ठीक है, 122.448, 122.448 तीन डिजिट तक निकालने का हमेशा और दो डिजिट में लेने का, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर कोई भी नंबर 5 या 5 से बाहर रहेगा तो राउंड ऑफ कर लेते हैं। ओके, सो आंसर क्या 122.448 है ना, तो ये ए है, ये 5 से बड़ा है, इसके पहले वाले को हम लोग लिख सकते हैं 5, और क्योंकि ये मास है दैट्स व्हाई यहां पे मैं लिख सकता हूं केजी। ओके, सो 122.45 केजी मास ऑफ वाटर को ये पंप जमीन से ऊपर उठा लेगा, ठीक है, ऐसे करना है, समझ में आया। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ तुम लोग किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे करते हैं पता है, 1 किलोमीटर पर आर, हमारे पास किलोमीटर इज 1000 मीटर, आर इज 60 × 60 सेकंड, हाँ बताया था क्या मैंने, राइट, सो ये जीरो, ये जीरो कट, ये जीरो, ये जीरो कट, ओके, 2 5 10, 2 3 6, मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो डायरेक्टली ये लिखने के बाद सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये सही है, इंपॉर्टेंट चीज है, हमको चाहिए यहाँ पे। सो एक कार है, ओके, सो दे द कार अगेन, और उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो अगेन इसके इंजन ने वर्क किया, उसको फोर्स लगाया, और अब इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, द वेलोसिटी ऑफ कार ऐसा क्वेश्चन दिया है, इंक्रीजेस फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच इज द वर्क डन। ओके, इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg, क्वेश्चन इज हाउ मच इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी। ओके, ठीक है, सो अभी हम लोग ने थोड़ा फॉर्मूला देखा था, वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी, क्या था बताओ, याद करो, वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी क्या था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाँ वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, कुछ बचे एकदम बराबर, फटाफट टाइप में आंसर्स लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, एंड जो बच्चे लोग बाहर निकल गए हैं बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क, ठीक है, और एक बेचारी इशिता कब से बोल रही है कि पहले कुछ सिखाया था क्या फॉर्मूला रिक्वायरमेंट्स,
है, तो टेंशन मत लो, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, ये डायरेक्टली मैं पोस्ट करूंगा आज रात को, तो तुम लोग देखना जिसका भी कुछ मिस हुआ तो। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथ्स में आता है तो हाफ कॉमन रख सकता हूँ, एम भी कॉमन रख सकता हूँ, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। ओके एम के जगह सब्स्टिट्यूट करो 1500, वी के जगह ओ देखो जरा ठीक से, सब्स्टिट्यूट करने से पहले क्या हमने चेक किया, ये तो किलोमीटर कार में दिया है, हमको तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, राइट ठीक है, सो वर्क गड़बड़ हो गया, अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ओके इसको मैं हटाता हूँ और इसको पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 54 इंटू, अगर ऊपर वैसे करना है तो 54 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 मीटर पर सेकंड, नो टू डू इट, 5 18 नहीं आएगा मीटर पर सेकंड, 18 18 18 36 54 18 3 54 5 3 15 मीटर पर सेकंड आया। ओके सो लेट्स डू द सेम थिंग, द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वाज गिवन 72 किलोमीटर पर आवर, ओके एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड 60 इनटू 60 मीटर पर सेकंड, ओके एंड वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, 18 4 द 72 होता है 5 4 द 20 मीटर पर सेकंड, 18 36 54 72 है ना, 18 कट जाना चाहिए सबको बाय द वे, राइट ठीक है, सुबह काम का सीजन है, 9 10 में बहुत काम का है, 18 का टेबल, सो वी स्क्वायर वी के जगह पे क्या आएगा 20 स्क्वायर, यू स्क्वायर यू स्क्वायर के जगह पे आएगा 15 का स्क्वायर, राइट ठीक है, सो नाउ द कैलकुलेशन पार्ट, हाफ इनटू 1500 राइट 400 माइनस 225, 400 माइनस 225 ठीक है, सो करो जरा 400 माइनस 225 कितना होता है, और इसको भी कट कर सकते हैं हम लोग 2 और 1500 को, 2 7 जा 14 2 5 जा 10 ये 7 क्या आएगा, अच्छा इनटू 175, ओके सो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आया 750 इनटू 175, ओके तो 750 इनटू 175 करो कितना होता है, 750 इनटू 175 1312501250 वर्क डन है, तो क्या आएगा जूल्स, ओके या जे लिख लो खत्म, 1312500 जूल, ठीक है, सो इतना जूल ऑफ वर्क करना पड़ा उस का वेलोसिटी हमको बढ़ाने के लिए, राइट ठीक है, सो अब चलो एक फाइनल एक लास्ट और एक करते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या था हमने किया भी रहेगा, आई डोंट नो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने, ओके चलो सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये फिर से इजी वाला आगे को, रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड मूव द बुक, ओके सो एक बुक है एंड रवि अप्लाइड अ फोर्स टू मूव दैट बुक, अब वो बुक कितना सेंटीमीटर मूव हुआ, सो 30 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 30 सेंटीमीटर, वी रिक्वायर मीटर, टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर व्हाट वी डू इज डिवाइड बाय 100, ओके ठीक है, सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, ऑलवेज रिमेंबर सेंटीमीटर टू मीटर डिवाइड बाय 100, ठीक है, 0 0 कट कितना हुआ, 3 बाय 10 लिख सकते हो या 0.3 लिख सकते हो, ओके ये हो गया, देन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट गया, ठीक है अब क्या करना है, फोर्स फोर्स दिया हुआ है ना, फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, सो क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू, अब देखो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, देयरफॉर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे w = fs, इफ देयर वुड हैव बीन एन एंगल देन हम लोग थीटा वाला फोर्स, थीटा वाला जो चीज है वो यूज करते हैं, हां सो f at 10 s is 0.3, 0.3 into 10 कितना होता है 3, तो करेक्ट आंसर इज 3 जूल्स, ये है ना इजी है, चलो सो ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन एक और करेंगे, खत्म करके जाएंगे, वैसे हम लोग ने 5 मिनट थोड़ा पीछे स्टार्ट किया है तो हम अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, एक खत्म कर लेते हैं, ओके ग्रेट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एनर्जी ऑफ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखो सो एक ऑब्जेक्ट है, ओके सो बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट,
ठीक है, इफ द एनर्जी ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर्स, हाइट दिया है 10 मीटर्स, 10 मीटर्स इज रिड्यूस्ड बाय 40%, ओके, इफ द एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय 40%, ओके, लेट्स से यहां पे इसका एनर्जी इज 100%, 100% पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ओके, ठीक है, नाउ इट इज फॉलिंग, तो सपोज ये यहां तक आ गया, न्यू पोजीशन, ओके, एट दिस पोजीशन एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय 40%. If energy is reduced by 40%, what is the remaining energy now? बताओ, पहले 100% था, now energy is reduced by 40%, so what is the remaining energy now? 60%, right? 100 minus 40, 60% potential energy, right? Okay, so suppose, यहाँ पे इसका potential energy था 100%, so let it be potential energy, this, and now it is 60%, okay, now this is potential energy 2, right? Okay, and it has become 60% of the original potential energy. ओके, सो ये जो एनर्जी है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 2, सो पोटेंशियल एनर्जी 2 इज 60% ऑफ द ओरिजिनल वन बिकॉज़ 40% डिक्रीज्ड, ओके, इतना तक समझ में आ गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नया वाला एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी 2 जो है वो 60% ऑफ द ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी है, ओके, ठीक है, हाउ हाई विल इट रिबाउंड, ये जब बॉल वापस से जाएगा ऐसे, ओके, तो कितने हाइट तक उठेगा h2, ओके, ये पूछा है, हाउ हाई विल इट रिबाउंड, ओके, ठीक है, कितना ऊपर तक जाएगा, अभी सपोज अभी इसका हाइट कितना h1, राइट, ठीक है, सो ये बाउंस होगा, फाइनल हाइट कितना रहेगा वो बता बोलता है, राइट, ठीक है, क्वेश्चन सब एकदम क्लियर है, ओके, सो चलो आंसर, क्वेश्चन एकदम क्लियर है ना, अब आंसर देखते कैसे करने का, पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू 60% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1 फ्रॉम गिवन, ओके, गिवन कंडीशन है, ठीक है, बट याद रखो गिवन में हमने इतना सारा कुछ लिखा है, ये तुमको लिखना है कंपलसरी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सो इट मींस दैट पोटेंशियल एनर्जी 2 इज 60 बाय 100 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1, ओके, लाइक ओल्ड स्कूल मैथमेटिक्स हम लोग जब करते थे, राइट, ठीक है, सो 60 बाय 100 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1, ओके, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी 2, मास इनटू g इनटू h2, m इनटू g इनटू h2, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी 1, m इनटू g इनटू h1, सर 1 लिखा 2 लिखा, m और b जो है उसको 1 2 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मास और जी जो है वो चेंज नहीं होता, राइट, एम और जी कॉन्स्टेंट है ना, राइट, वो थोड़ी चेंज होगा, अगर किसी का नीचे उसका मास थोड़ी ना चेंज होगा, राइट, ठीक है, सो ये सब सेम रहेगा, ओके, सो अब जो इसको हम लोग लेफ्ट में लेते, तो क्या आएगा, एम इंटू जी इंटू एच टू अपॉन एम इंटू जी इंटू एच वन इक्वल टू 60 अपॉन 100, एम जी गोज ऑफ, हमको मिलेगा एच टू इक्वल टू 60 अपॉन 100, एच वन क्या है, h1 दिया 10, so h2 equals 60 upon 100 into 10, ये गया, h2 equals to 6 meters, pure maths, right, देखो कैसे किया हम लोग, यहाँ से समझ लो, किसी को इसमें doubt है, देखो, note कर लो, इंश्योर भी ले सकते हो, किसी को इसमें doubt है, देखो, अच्छे से, पोटेंशियल एनर्जी 1 क्या रहेगा m into g to h1, पोटेंशियल एनर्जी 2 क्या रहेगा m into g into h2, ओके, h1 और h2 से चेंज हो रहा है, m और g तो सेम है, दैट वाज 1 और 2 नहीं था हम लोग ने इसमें, वी डिवाइड m dmg गॉन, ओके, किसी को अगर इस ये क्यों किया उसमें गड़बड़ी हो रहा है, तो देखो हम लोग बचपन मैथ्स करते थे ऐसा, देखो 5% ऑफ 300 है ना, ऐसा हम लोग करते थे, ठीक है, ओल्ड मैथ्स है ना, ओल्ड स्कूल मैथ्स, ठीक है, 5% और क्या करते थे, 5% मतलब 500 ऑफ 300 मतलब 300 का 5%, ओके, सो हम ये करते थे ना, देखो ऐसे 15 आता है, ओके, मतलब 300 का 5% 15, राइट, ठीक है, सो ये हम लोग ने यहाँ पे लिया कि पोटेंशियल एनर्जी 2 है वो 60% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1 है, ओके, सो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आया और परसेंट मतलब आउट ऑफ, ठीक है, बचपन में जो मैथ्स करते हुए यहाँ पे यूज किया हमने, तब तो समझ में आ गया, अच्छे, किसी को डाउट है, पक्का सबको पूछ रहा हूँ मैं, देखो किसी को डाउट है, ओके, ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम जो हम लोग करने वाले हैं, राइट, ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे फ्री फॉल, हाउ एनर्जी इज कंजर्व इन फ्री फॉल, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे कि एनर्जी कंजर्व कैसे होता है फ्री फॉल में, राइट, ठीक है, ऊपर कुछ एनर्जी रहता है, नीचे कुछ एनर्जी रहता है, बीच में कुछ एनर्जी होता है, तो कंजर्व कैसे होता है, राइट, ठीक है, सो वो हम लोग देखेंगे, ओके, सो बाय बाय, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में।